Hello students, welcome back to my instrument tutorials. Our today's topic is auditory. परसप्शन ऑडिटरी परसप्शन जो होता है इसको हियरिंग भी कह सकते हैं हम uh, इसमें जो सारा पॉइंट रहता है वो साउंड से रिलेटेड होता है साउंड के बारे में एक जरूरी बात यहाँ पे पहले जा, जानना जरूरी है कि जो साउंड होता है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं वेव्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है मीडियम टू मीडियम ट्रेवल हो सकता है मीडियम ज़्यादातर uh, अगर एयर और वाटर हो तो उसके अंदर आसानी से साउंड ट्रेवल करता है एक तरह से प्रेशर के डिस्टर्बेंसेज क्रिएट होने की वजह से प्रेशर के अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए तो उस वजह से साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल जाता है दूसरी बात जो साउंड होता है वो वैक्यूम के अंदर वैक्यूम के अंदर पास नहीं हो पाता वैक्यूम से क्या मतलब है यहाँ पर वैक्यूम का मतलब होता है जिस जगह पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं हो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते, कर सकते हैं जो स्पेस होती है जिसमें हम यूनिवर्स के अंदर जो स्पेस की बात करते हैं तो जो स्पेस होती है वो एक तरह का वैक्यूम होता है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो जो जैसे कि सन है सन पे कंटिन्यूसली लगातार हाइड्रोजन के बॉम्ब्स का के एनर्जी बर्स्टिंग होती रहती है तो उनकी जो वॉइस होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है उसका जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है तो उसकी आवाज़ यहाँ तक अगर पहुँचे तो भी इंसानों की डेथ हो सकती है जिस लेवल की वहाँ पर नॉइज़ प्रोड्यूस होती है लेकिन वो नॉइज़ हमें सुनाई नहीं देती इसका क्या रीज़न है क्योंकि जो सन है और जो अर्थ है तो हम यहाँ पर बनाते हैं जो सन है और जो अर्थ है इन दोनों के बीच में कोई चीज़ है तो वो है वैक्यूम और जो वैक्यूम होता है वहां पर साउंड जो कहना चाहिए पास नहीं हो पाता तो ये एक थोड़ा सा हमने उसका कंसेप्ट देखा अब हम लोग यहाँ से रीड करते जाएंगे जो भी हमारे नोट्स हैं सबसे पहले साउंड रिजल्ट फ्रॉम माइन्यूट चेंजेस इन प्रेशर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स विद इन अ मीडियम सच एज एयर और वाटर अब क्या होता है जो साउंड होता है वो इसीलिए रिजल्ट कर पाता है क्योंकि जो माइन्यूट चेंजेस आते हैं प्रेशर में वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ मीडियम जो एयर और वाटर हो सकती है दूसरी बात एक एनिमल के ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो जो भी ये साउंड की तो जब भी साउंड ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब वो ईयर तक पहुंच जाता है ऑर्गेनिज्म के तो फिर उसके बाद ईयर में जो नर्व्स होती है ऑडिटरी नर्व्स वो उसके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देती है जब वो ब्रेन के पास पहुंचता है तो जो ब्रेन होता है उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है समझता है कि ये बात क्या हो रही है जैसे सामने वाले किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी को अगर सिग्नल देके कुछ कहा है तो वो सुनाई दे उसके लिए ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा तो ही उसको सुनाई दे सकता है तो ये वाली चीजें हो जाती है हियरिंग में साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर है आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बैट्स होते हैं उनकी बात की गई है जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज को भी सुन लेते हैं एक तरह से वो हम अपनी बॉडी से ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी ऑब्स्टिकल से जाकर टकराते हैं तो वो बैट को उसके बदले अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी देते हैं जैसे सोनोग्राफी होती है वो भी एक तरह की अल्ट्रासाउंड के अंदर काउंट होती है तो बैट्स अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं और जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हाई स्क्वीकी साउंडस होते हैं इसका मतलब होता है हाई पिच्ड नेसल साउंडिंग नोट अब ये क्या करते हैं ये जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी भेजी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाके बाउंस करती है बाउंस करने के बाद वो पलट कर वापस आती है तो उससे जो बैट्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो प्रे है उसके जो शिकार है वो किस जगह पर है तो उसको लोकेट कर लेता है तो एक तरह से ये जो चीजें होती है उसके लिए जरूरी यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑब्स्टेकल है वो सॉलिड होना चाहिए नेक्स्ट चीज होती है जो डॉग्स होते हैं उनके बारे में डॉग्स जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुन लेते हैं जैसे कि स्पेशल विसल्स उनको सुनाई दी जाए तो वो उसको भी समझ लेते हैं और बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए इंटेलिजेंट भी होते हैं Uh, यहाँ पर थोड़ी सी हियरिंग रेंजेस की डायग्राम बने उसको देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले चाइल्ड की हयरिंग रेंज है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स डॉग की फिफ्टीन से फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी से सिक्सटी फाइव थाउजेंड कैट की है और थाउजेंड से वन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स बैट की है यहाँ पर तो ये हियरिंग रेंजेस के बारे में था नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या होता है जो ऑडिटरी सिस्टम होते हैं एनिमल्स के उनको देखा जाए तो वो डाइवर्स रहते हैं और उनमें एक बेसिक फीचर कॉमन रहता है सबसे पहले एक पेरिफेरल मैकेनिज्म होता है जिसमें साउंड प्रेशर को कन्वर्ट किया जाता है टू वाइब्रेटरी मोशन तो हर ऑर्गेनिज्म में एक पेरिफेरल मैकेनिज्म होता है जिसमें वो साउंड प्रेशर को वाइब्रेटरी मोशन में ट्रांसफर कन्वर्ट uh, कर लेता है फिर जो सेंसरी रिसेप्टर्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं मोशन में मोशन uh, में कन्वर्ट करने के बाद वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं फिर उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड रहते हैं वो उसको डीकोड कर लेते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आती है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है तो वो उसको डीकोड करते हैं इंटरप्रेट करते हैं कि सामने वाले ने क्या बात कही होगी तो ये होता है पूरा हियरिंग का मैकेनिज्म जो हमने शॉर्ट में देखा नेक्स्ट चीज़ जो इनर ईयर होता है फिश का उसके अंदर एक तरह का मेमरेना सेक प्रेजेंट होता है मेमरेना सेक जो मेमरेना सेक होता है वो एक

एक तरह की सीट है वो किस चीज के लिए हियरिंग के लिए दूसरा वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस के लिए जो बैलेंस बनाता है ऑर्गेनिज्म उसका भी काम ये जो इयर्स होते हैं वो काम करते हैं तो बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी होते हैं क्योंकि जैसे स्टेटोसिस्ट की हम बात कर सकते हैं तो उस तरह से इसके दो फंक्शन हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा है जो ईयर्स होते हैं एम्फीबियंस के रेप्टाइल्स के और मैमल्स के इनमें ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है जो कि सेंसिटिव होता है टू टाइनी चेंजेस इन प्रेशर और जो टाइनी चेंजेस होते हैं प्रेशर के वो उसको भी समझ लेता है जैसे ईयर ड्रम की बात करें तो ये थिन मेमरेन ऑफ स्किन से बना होता है जो कि वाइब्रेट करती है एज द वे एयर वेव्स ठीक है अब जो टाइनी बोन होती है वो अगर मेमल्स में हम देखें और इन केस ऑफ मेमल्स बात करें तो टाइनी बोन की जगह थ्री बोन्स हो जाती है छोटी छोटी कैसी होगी तीन बोन्स हो जाएगी जो कि ड्रम से अटैच रहती है और फिर वो ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन को टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकलिया कोकलिया के अंदर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और एक तरह का लिक्विड भी उसमें होता है टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वेव्स को बैक एंड फोर्थ आगे पीछे करते हैं और उसमें नर्व्स स्टिमुलेटेड रहती है जो कि उसकी वजह से मतलब नर्व्स प्रेजेंट होती है जो उसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है वेव मोशन की वजह से और फिर ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है इस तरह से ब्रेन साउंड को इंटरप्रेट करता है हम उसको एक तरह से मैकेनिज्म देख रहे हैं अब जो येलो पॉइंट है उसको देखेंगे हम तो यहाँ जो मेमल के ईयर होते हैं आउटर मिडल और इनर ईयर में डिवाइडेड होते हैं एम्फ्यूबंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर आउटर ईयर नहीं होता है आउटर ईयर एम्फेंस और रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होता है इंस्टेट उनमें क्या चीज़ होती है ईयर ड्रम्स होते हैं जो कि उनके हेड के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं और ईजिली विजिबल भी होते हैं बहुत सारे फ्रॉग्स और लिजार्ट में और अंडर द स्किन एज इन स्नेक्स स्नेक्स के अंदर स्किन के अंदर ऐसे ईयर ड्रम्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर ईयर और लिजार्ट का फिगर दिया गया है आप देख सकते हैं जो लिजार्टस होते हैं उनके अंदर आउटर ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते तो इसका डायग्राम देख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आउटर ईयर है तो डू नॉट हैव आउटर ईयर्स एट ऑल एक सिर्फ देख सकते हैं गोल सर्कल की तरह नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई ईयर नहीं है इसका मतलब जो इन, इनकी हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं वो कंटेंट रहते हैं इनके हेड के अंदर और वो जो आउटसाइड वर्ल्ड रहता है उससे अगर जॉइंटेड रहते तो एक मेब्रेन की तरह जॉइंटेड रहते हैं और उस में रहते हैं और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है ईयर ड्रम मेमब्रेन ठीक है तो ईयर ड्रम इनमें प्रेजेंट होते हैं हेयर्स की बात करें हेयर्स का मतलब होता है यहाँ पर रेबिट एक तरह से तो जो हेयर्स होते हैं इनके अंदर लॉन्ग आउटर ईयर्स होते हैं आप देख सकते हैं इनका ईयर कितने बड़े से लॉन्ग आउटर है और इनके जो ईयर होते हैं एक तरह के सेटेलाइट डिशेस की तरह काम करते हैं सेटेलाइट डिश जैसे होती है आप देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो घर में जो टीवी के लिए सेटेलाइट डिस्क लगाई जाती है वो होती बड़ी सी ताकि वो सारे साउंड वेव्स जो भी सिग्नल्स उसको कैप्चर कर सके उसी तरह से ये साउंड वेव्स को कैप्चर कर सके तो इनमें सेटेलाइट डिशेस की तरह आउटर ईयर प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेट भी होते हैं हर डायरेक्शन में ताकि वो डिटेक्ट कर सके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब क्या होता है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ईयर्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि वाइब्रेशन सेंसिटिव होते हैं जो कि वाइब्रेशन को समझ लेते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ ईयर होगा तो ही वो वाइब्रेशन को सेंस कर सकेगा और भी ऑर्गन्स हो सकते हैं जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल वाइब्रेशन सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो ऑर्गन्स हो सकते हैं वो ज़्यादातर हेयर होते हैं और वो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं अब अगर बात करी जाए क्रिकेट्स की एक तरह के इंसेक्ट होते हैं इनमें लिम ज्वाइंट जो इनके होते हैं पैर एक तरह से इनके जो होते हैं

और जो मॉस्किटोज होते हैं इनके अंदर भी इसी तरह का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ साउंड को समझ लेता है तो ये जो स्विमर्स होते हैं बैक स्विमर्स इनमें जैसे रिसेप्टर्स इनके लेग्स में लगे होते हैं और इसी अपने जो प्रे होते हैं इनके जो शिकार होते हैं उसको भी लोकेट कर लेते हैं बाई डिटेक्टिंग वेव्स ऑफ वाटर नेक्स्ट चीज देखते हैं वेब स्पिनिंग स्पाइडर्स ये जो स्पाइडर्स होती है ये डिस्क्रिमिनेट कर लेती है लाइव फ्रॉम द डेड प्रे बाय वाइब्रेशन ऑफ द वेब इससे इनको समझ में आ जाता है कि इनके जो वेब रहते हैं उसकी वाइब्रेशन से समझ लेती है कि जो इनका शिकार है वो अभी जिंदा है या वो मर चुका है ठीक है फिर उसके बाद जो वर्टीब्रेड्स होते हैं इनमें मैकेन और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर है हम ये, ये वाले पॉइंट पर तो तो हम यहाँ पर थे वर्टीब्रेड जो होते हैं उनमें मैकेन और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये वाइब्रेशंस को तो पिकअप तो तो कर लेते हैं ग्राउंड से लेग जॉइंट्स जो होती है कैट्स की और डक्स की इनमें मैकेनो रिसेप्टर्स हो सकते हैं तो लेग जॉइंट्स होते हैं जो कैट्स और डियर डक्स के सॉरी मैं डक बोलने की वजह डियर बोल रही थी यहाँ पर तो जो लेग जॉइंट्स होते कैट और डक के उनमें भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं तो ईजिली सेंस कर लेते हैं कैट्स वगैरह भी क्या आसपास क्या चल रहा है उनको सेंस हो जाता है बैट्स की बात की जाए तो बैट्स जो है इंसेक्ट्स का हंट करते हैं ज्यादातर जो कि स्मॉल साइज में होता है अब बैट्स की हमने पहले भी बात करी थी वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम शॉर्ट वेवलेंथ कह सकते हैं अगर किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कैसी होगी वेवलेंथ उसकी कम होगी तो बैट्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब शॉर्ट वेवल के साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो साउंड वेव्स होती है वो इको प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो ऑब्जेक्ट से टकराती है और पलट कर वापस आती है वो गूंजती है तो आ, कुछ ऐसे नॉक्टर्नल मॉथ्स होते हैं और लेस विंग्स जो होते हैं इनमें है, इनके जो ईयर्स होते हैं इनके थोराक्स पे प्रेजेंट होते हैं थोराइक्स पे और इनका जो ईयर रहता है वो कंपोज होता है थिन टाइनी

वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो समझ लेती है कि कहाँ किस डायरेक्शन से ये अल्ट्रासाउंड आ रही है और इस वजह से वो एक तरह के मूवमेंट uh, शुरू कर देती कर देती है फ्लाइंग मूवमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इराटिक होते हैं इराटिक मूवमेंट शुरू कर देती है स्पाइरल्स में फ़्लाई करेगी ड्रॉपिंग करेगी सडनली टू द ग्राउंड फिर एकदम से ऊपर आ जाएगी तो इस तरह की चीज़ें ये मौत करने लग जाती है इस वजह से जो बैट रहता है वो इस मौत को पकड़ नहीं पाता कैच नहीं कर पाता तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती है यहाँ पर कुछ क्रिकेट्स का डायग्राम बने हैं आपको हमने उसके बारे में जो पढ़ा था उसके जो लेग होते हैं उसकी जो मतलब कहना चाहिए लिम्स होते उस पर प्रेजेंट होते हैं उसके ईयर्स तो उसका डायग्राम है यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में नॉक्टर्नल मौत का डायग्राम है उसके ईयर्स किस तरह के बने होते हैं वो यहाँ पर शो किया गया है ये दोनों फिगर्स हम देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देख... अब क्या होता है कुछ बैट्स और आउल्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट डार्कनेस में बिल्कुल अंधेरा जो कंप्लीट अंधेरा होता है उसके अंदर भी साउंड्स को एमिट करते जाते हैं और वहां पर भी वो अपने कहना चाहिए हंड को पूरा कर पाते हैं तो वो ऐसा कैसे कर लेते हैं उनको दिखाई तो दे नहीं रहा क्योंकि वो सुनने की उनकी क्षमता बहुत तेज होती है जैसे बान आउल्स जो होते हैं यहाँ पर लिखा है बान आउल्स तो इनके जो फेदर्स होते हैं इनमें फाइन एजेस होती है जो इनको अलाउ करते हैं फ्लाई क्वाइट साइलेंटली और अपने प्रे को चुपचाप से देख लेते हैं सुन लेते कहना चाहिए लोकेट कर लेते हैं और फिर उनको कैप्चर कर लेते हैं और जैसे एक फ्रीली मूविंग माउस भी होगा अगर टोटल डार्कनेस में एक छोटा सा चूहा इधर-उधर जा रहा है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं लोकेट कर लेते हैं और उसकी रस्लिंग साउंड जो वो प्रोड्यूस कर रहा होगा अगर लीव्स की उसको भी जाकर पकड़ लेते हैं ये वाली चीजें पेन ने 1971 में बताई थी कि इतना भी हो सकता है साथ में कुछ ऐसे डायरेक्शन uh, होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो इट कैन इवन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनिमल्स मूवमेंट एंड सो अलाइन्स इट्स विद द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द माउसेज बॉडी तो माउस uh, जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से ये भी चले जाएगा इसमें कोई शक नहीं है ऐसा भी हो सकता है और जो बाउन बान आउल होता है ये पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है टू द डिफरेंसेस इन टाइम ऑफ अराइवल ऑफ साउंड्स एट द टू इयर्स तो जितने इसके पास साउंड आ रहा है उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होगा ये और उसी से ये डिटरमाइन कर पाता है ऐसी क्या है अब ऐसी क्या होता है एक तरह की डायरेक्शन होती है जो कि हॉरिजेंटल प्लेन से आती है साउंड की ठीक है तो ये वाली चीज़ें हमने देखी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यहाँ पर और इसी वजह से ये जो बर्ड होती है वो पिन पॉइंट जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है साउंड की उसको समझ लेती है और जाकर उसको कैप्चर कर लेती है अपने प्रे को तो यहाँ इसका फिगर भी बना है हम लोग देख सकते हैं फिर आ, अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ईको लोकेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगी अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा ऑडिटरी परसेप्शन था एनिमल बिहेवियर का वो हमने कंप्लीट कर लिया है इससे पहले दो पार्ट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके थे ये थर्ड पार्ट था फोर्थ में हम ऑल्फैक्ट्री और स्मेल एंड टेस्ट को देखेंगे